washed up. Don't want to believe it. Welcome back to the channel. You are watching Delishan Vlogs. और सब बढ़िया मजे में. आज फिलहाल आज मैं व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ. सोच रहा हूँ जो भी होगा दिन में शेयर कर लो. अभी फिलहाल मेरा एक दोस्त है कमल. कमल भाई स्पेशली मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि भाई ने बोला था भाई कैसा भी व्लॉग हो चाहे छोटा हो बड़ा हो कैसा भी हो उसमें कंटेंट कैसा भी हो बस भाई बना दे. तो मैं कहा चलो ठीक है ट्राई करते हैं. कुछ ना होने से भी अगर कुछ नहीं कर पा रहे तो फिलहाल सुबह के बज रहे हैं 8:20 और बारिश शुरू हो चुकी है. तो मेरी लाइफ का पहला थोड़ा बारिश वाला व्लॉग है. बारिश वाले से कहूँगा कि थोड़ी छीटी हो रही है. ज़्यादा बारिश तो निकाल नहीं सका. चाहे भले वाटर रेसिस्टेंट हो चाहे कुछ हो नहीं करना चाहिए. हम खुद भी भीगेंगे और फिर लग जाएंगे मतलब तबीयत के तबीयत खराब हो जाएगी मतलब समझ गए ना. हाँ फिलहाल हम जा रहे हैं सुबह. अरे यार ये दिक्कत है मतलब व्लॉग करने निकलो सारे बंदों को गाड़ी निकालनी है इतनी तेज़ी से आवाज़ करते हुए जाने क्या मतलब क्या. फिलहाल जैसा आजकल का मौसम चल रहा है उस हिसाब से तो आज का मौसम मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है. क्योंकि कल इतनी उमस हो गई ना सीरियसली बता रहा हूँ इतनी उमस ऐसा लगता किसी ने भट्टी में भेज दिया. और जैसा कि आप सभी को पता होगा कश्मीर में आर्टिकल 370 हटा दी गई है. इसलिए फिलहाल वैसे पॉलिटिकल बातें बोलनी नहीं चाहिए मगर हाँ अब थोड़ा काम सिस्टमेटिक तरीके से होगा जैसे होना चाहिए. भगवान करे एक नया भारत आग हो जिसमें सब चीज़ें ऑर्गेनाइज हो डेवलप करे. हम भी आगे ट्रम्प को लोग बोए हावी क्या चाहिए इधर को. अपने पास भी नवीन इन्वेंशन है और क्या. अभी चंद्रयान भेज दिया है कश्मीर भी कर दिया है और 3 ट्रिपल तलाक भी हो चुका है. अब बस ऐसे करके मामले सुलटते रहे. बढ़िया है मोदी साहब बढ़िया काम है भाई. सरकार में कोई भी हो काम करने वाले तो वही रहते हैं मगर हाँ उस सरकार की स्पीड ऊपर नीचे ज़रूर रहती है. तो इसलिए जो भी अच्छा काम करे उसको सपोर्ट करो जैसे कि मैं आप लोगों को खुश कर रहा हूँ खबरें दे रहा हूँ और मजे मार रहा हूँ और बकवास करके आपका मन बहला रहा हूँ. और यहाँ पर हो गई है बारिश थोड़ी सी तेज़ तो इसलिए मैं कैमरा रखता हूँ थोड़ा सा अंदर ताकि मैं भीग ना जाऊँ और भागते भागते मेट्रो पकड़ लूँ. हो गए चलो. Don't want to believe it. Tough love, you take it away. So guys, बारिश का ये आलम है कि फिलहाल भीगने लगे हैं और बारिश हो गई थी. सही है कि मेट्रो पे सही टाइम पे आ गए क्योंकि बारिश तेज हो गई है और अब थोड़ा जल्दी चलते. फाइनली जैसे तैसे करके मयूर विहार पहुँच गया हूँ और फिलहाल बारिश के मौसम ने हालत थोड़ी कर दी है खराब और अब लगता है मेट्रो में मिलेगी गंदी वाली भीड़. मगर जिसे कहते हैं अगर थोड़ा कुछ भी बुरा हो ना तो उसमें कोई अच्छा छुपा होता है और अच्छा भी जैसे दिखाता हूँ. मेरे को आ जाते हुए मेरा पुराना दोस्त मिला है नाम है हर्षित आहूजा. भाई साहब यार ऑफिस जा रहे हैं साथ में नोएडा तक जाएंगे और फिलहाल अभी शर्मा रहा है. हालांकि नुक्कड़ नाटक करते टाइम इसको कभी शर्म नहीं आई साला शर्म बेच का ही. आज के टाइम पे थोड़ा शरीर लुक दिखाने के लिए ना थोड़ा आजकल चुप चुप रहने लगे व्लॉग दो भाई. हाँ भाई साहब आफ्टर लॉन्ग टाइम भाई कैमरे के सामने आ रहे हैं तो थोड़ा शर्मा रहे हैं. ठीक है तो फिलहाल हम मिलते रहेंगे जहाँ तक लगता है नोएडा जाते हुए तो लगता है ना चाहते हुए भी कंटेंट थोड़ा बहुत मिल ही जाएगा. ठीक है भाई चलो मिलते हैं. निके हुंदे डैड ने फड़ाती बंदूक चाचा मेरा कहंदा हावी शू थोड़ी दी आवाज ने चस्का लाता भी हुण की सिर के वेर जदों पैर असला असली ने हत्थी फट तेनू लगी तू गैंगस्टर तू कहंदा
गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। फाइनली थोड़े बाद से कर लूँ। आज मेरे को एक्चुअली पूरी रात का काम था तो सुबह सुबह निकला हूँ। और आज लाइक लाइफ में पहली बार ही पहली मेट्रो पकड़ने वाला हूँ। सुबह सुबह की पहली मेट्रो, एक अलग सी फीलिंग है। और मौसम इतना प्यारा हो रखा है ना, मतलब घर जाने का सही में मन नहीं कर रहा, मगर जाना पड़ेगा। नींद आ रही है आज की, और उसके बाद बाकी के काम भी हैं। तो बट सीरियसली इतनी अच्छी और प्यारी मॉर्निंग, मज़ा आई आज। मतलब नाइट वगैरह के काम में यार एक अलग फीलिंग आती है, एक अलग मज़ा रहता है। बट सीरियसली पहले शुरुआत में लगा था ये रात गुजरी कैसी, और जब गुजरी तो पता नहीं चला ये रात गुजर कब गई। तो बस मेट्रो आ रही है, दिखाते यार थोड़ा बहुत। हालांकि मेट्रो नहीं एक बट उसकी फीलिंग अलग है, काश भी कर पाऊँ। फिलहाल अब इन्होंने बत्ती जलाई थी, बत्ती बंद हो गई, और देख सकते हो हवा इतनी प्यारी चल रही है, मेरे बाल भी खराब हो गए। वाह, दिल्ली में ठंडी हो गई रात को, हाथ साफ ही गर्म थे। चलो मिलते हैं। आवाज़ जो है वो थोड़ी धीरे धीरे आ रही है, थोड़ी धीरे धीरे बात कर रहा हूँ। सुबह एनर्जी तो है ही है, मगर तेज तेज बोलूँगा तो लोग पागल पागल बोलेंगे, इसलिए लाला जी आदमी जो देखा वो सुबह की खाली मेट्रो का नज़ारा था, और लाइट को मेरी अलग फील आ रही है। क्या बात है, अगर ऐसे मेट्रो मिल जाएगा ना मज़ा आ जाएगा सफर का। और मेट्रो को पूरी रात चले तो भाई क्या बात है, मज़ा ही आया। मेट्रो अगर आप देख रहे हो तो कृपया करके सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलिए कि रात को मेट्रो चालू रखी है, जैसे बाहर के देशों में रहती थोड़ी मज़ा रहेगा, हर बंदे को सुविधा हो जाएगी। धन्यवाद। चलो मिलते हैं गुरुद्वार वाले स्टेशन पे, थोड़ा सुबह सुबह का टाइम लग, देखते हैं ले पाते हैं कि आई ट्राई। जस्ट अभी मयूर विहार पर पहुँचा हूँ चेंज करने के लिए, और बाइक में जितनी हवा की आवाज़ आ रही है तो समझ जाओ कि कितनी तेज़ हवा चल रही होगी, कि माइक में हवा की आवाज़ इतनी ज़ोर से आ रही है कि मेरी आवाज़ ना आ पाए। हाँ कर ले फिर आवाज़ तू कर ले। फिलहाल मौसम इतना प्यारा हो रखा है ना, सीरियसली दिख नहीं पाएगा, लगातार दिख जाएगा, थोड़ी रोशनी ज़्यादा है फिलहाल उस हिसाब से भी। मगर क्या मौसम है यार, ऐसा क्यों नहीं रहता ऑल द टाइम दिल्ली का मौसम, ये ऐसे ही मौसम रहे क्या दिक्कत है। हम मज़े मारेंगे, अच्छे से व्लॉग हो जाएगा, घूम भी लेंगे सुन भी लेंगे, और करते हैं चेंज मेट्रो दूसरी। चलो फटाफट देर हो गई, मेट्रो चेंज करने के लिए जा रहा हूँ,
और देख सकते हो मेट्रो कितना स्टेशन कितना खाली है यार। वाह मज़ा ही आ रहा है सोचो। अब आवाज़ में आ गई है एनर्जी क्योंकि खुल चुका है पूरा दिल तन मन धन नहीं खुला। हाँ मतलब हर जगह से फ्रेशन अप हो गया हूँ और अब आवाज़ में दम भी आ गया है क्योंकि पता नहीं क्या चीज़ है यार ये। और सुबह पहले आवाज़ दबी रहेगी थोड़ी सी, चाहे जितना आपका फीलिंग अच्छी हो मन अच्छा, बट आवाज़ ऐसी जीव रहेगी हद है यार। हालांकि मज़ा उसमें आता है कि बाद में भी नहीं आती, बाद में ट्राई करते हैं बट निकलती नहीं है, और अभी निकल रही है तो बस। और इतना स्टेशन मेट्रो खाली देख के, मतलब मेट्रो स्टेशन खाली देख के मज़ा ही आ रहा है, फीलिंग अलग है। हाँ नहीं तो ऐसे होता है अरे भाई देख मतलब बंदे एकदम चढ़ ही जाएंगे। अरे बाबा बड़ा मुश्किल आ रहा है दिल्ली में ट्रैवल करना। सो दूर कभी मुंबई जाके देखूँगा वहाँ का ट्रैवल कैसा है। हालांकि मुंबई ज़्यादा इस मामले में कि बंदे टाइम पे नहीं पहुँच पाते, ट्रैफिक बहुत होता है, मगर दिल्ली भी जनाब कम नहीं है। ये भी किसी दिन कुछ बड़ा रिकॉर्ड बना के रहेगी। चलो पकड़ते हैं भाई दूसरी। आज कंधा दर्द कर रहा है यार, सही बताऊँ तो थोड़ा थकावट तो है, पूरी रात ही थकावट है यार। तो चलो जमीन चैनल। फिलहाल मैं यहाँ से फ्रीज हो गया अपने काम से, वापस घर जा रहा हूँ। आज रक्षाबंधन है और जिसे कहते हैं मेहनत वाली शुरुआत हुई है सुबह से ही। अच्छा खासा इस टाइम सुबह के 5 बज रहे हैं, मतलब 5:40 कुछ सेकंड्स। और अभी 10 मिनट पहले बड़ी गंदी वाली बारिश हुई थी, इतनी तेज़ लाइक पानी भरा हुआ था। अभी भी मेरे थोड़े जूते गीले हो गए हैं बट अंदर तक पानी नहीं घुसा है, तो खुशी की बात है मेरे लिए। फिलहाल सभी को सबसे पहले 15 अगस्त की ढेर सारी बधाई कि भाई स्वतंत्र भारत में पैदा हुए थे, ठीक है, स्वतंत्र हो, आज़ादी मिल गई, सही फ़ायदा उठो तो अच्छा है, गलत फ़ायदा मत उठाना आज़ादी का, सही तरीके से यूज़ करो तो आज़ादी है, ठीक है, नहीं तो फिर तुम्हारी ज़िंदगी की वो बर्बादी है। वाह क्या बात है। इसे कहते हैं सुबह सुबह बात करें तो थोड़ा शायर निकलता है अंदर से। फिलहाल आज वो दिन है जिसके लिए लाइक सीरियसली आई जस्ट लव दिस डे। राखी मेरा फेवरेट त्यौहार है, पता नहीं क्यों सबका, किसी का दिवाली से किसी का होली होता है, मेरा राखी है क्योंकि है यार मतलब मज़ा आता है। एक वही बहन वगैरह से मिलने में वो जो एक बॉन्डिंग होती है ना, हालांकि मैं अपनी बहन से जब मिलता हूँ, जिसकी को मिलवाऊँगा तुमसे भी, उसका नाम है दीक्षा, ठीक है, प्यार से हम उसे दुग्गा प्यार बुलाते हैं। इसलिए उससे जिस दिन मिलूँ वो मेरे लिए राखी है, मगर राखी के दिन मिलना लाइक आउट ऑफ द वर्ल्ड वाली बात है यार।
मतलब एक अलग ही फीलिंग है, नेक्स्ट लेवल फीलिंग। तो आज जितना व्लॉग बन पाता है, जैसे बन पाता है, रिकॉर्ड करूँगा और शेयर करूँगा। और बारिश दोबारा से थोड़े छींटे शुरू हो चुके हैं, तो बारिश में थोड़ा व्लॉग करते करते हम करेंगे। मतलब यार इस टाइम सुबह सुबह क्या बोलते हैं, एक्सपेक्ट करते हो क्या क्या बोलूँ। बस आपको मैं थोड़ी नींद चढ़ रखी है, घर जाके मस्त जा भाई, घर जाके मस्त थोड़ी सी नींद मारूंगा और चाय पीऊंगा और फ्रेश व्रेश होके बढ़िया से राखी मनाने जाऊंगा। और पूरा दिन राखी मनाता रहूंगा, आज़ादी तो क्या मननी, बस राखी मनाएंगे, वापस काम पे जाएंगे, क्योंकि थोड़ा वर्कआउट ज़्यादा है इसलिए। चलो बाकी का व्लॉग एंजॉय करो। फाइनली हम घर के मेट्रो स्टेशन पर पहुँच चुके हैं, बेनमापुरी पे। और मौसम देखने से याद लग रहा है अच्छा हो चुका है, मगर यार उमस तब भी है, क्या करें दिल्ली की गर्मी का। बारिश चाहे जितनी करवा लो ठंडा नहीं होने वाला मौसम। फिलहाल बेटर हो गया, बट अब बारिश ना हो वरना पूरा दिन पानी में जाएगा और पूरे दिन पे पानी फिर जाएगा। तो यहाँ फटाफट घर चलते हैं और थोड़ा रेस्ट मारते हैं, पूरी रात भर की थकान निकालते हैं और फिर पूरे दिन मजे मारते हैं। क्या बात है, बोला था ना सुबह सुबह एक अलग ही शायर निकलता है। सो हे गाइस, वेलकम बैक। फाइनली अब अच्छा फ्रेम बना है, प्रॉपर टिक के साथ आ गया हूँ। जा रहा हूँ अपनी फेवरेट बहन कह लो, या हालांकि सारी बहन मेरी फेवरेट है, मगर फिर भी चलो बकवास ना करते हुए रिक्शा के घर जा रहा हूँ। फाइनली रेडी हो गया। आज सुबह की शुरुआत हम डोरेमोन से करेंगे, क्योंकि इन द एंड डोरेमोन और नोबिता की जोड़ी बनती है। और फिलहाल आज सोचा पहना कुर्ता वगैरह पहन लूँ, काफ़ी मन करता है, दिवाली पे इतना नहीं करता जितना राखी पे करता है। और सुबह के बज रहे हैं 8:45, लेट हो गया थोड़ा, कोई नहीं, फटाफट भाग रहा हूँ और 5 मिनट में पहुँच जाऊँगा। मगर से तो आज फीलिंग बहुत अच्छी है और मौसम भी, और शुगर है कि कीचड़ वगैरह बचा नहीं है। फिलहाल जो फटाफट चलते हैं इससे पहले कि और लेट हो, और दिखाते हैं।